चीज है। तो लेट्स एक मिनट बेटा, पहले आ गया जी एक्स टी ग्राफ, दूसरा पॉइंट आपका कौन सा है, किसके यूनिट्स बेटा, सारी चीजों के यूनिट्स, वेरी नाइस। और बेटा एक मिनट बेटा, टेंजेंशियल टू द सर्कुलर पाथ, इसका मतलब क्या होता है ना। और डियर चिल्ड्रन, बाकी स्टूडेंट्स बेटा, किसी का कोई पॉइंट पूरे चैप्टर में से, सारा आ गया आपको अच्छे से, बिल्कुल कोई चीज ऐसी नहीं जो नहीं आती। हाँ जी, सब आ गया बाकी, ओके। इट मींस कि आपकी तैयारी हो गई है फिर पहले चैप्टर की, दैट्स गुड साइन बेटा। आपके आई थिंक रिवीजन टेस्ट वन आपका मंडे को ही है, तो यू आर फुली प्रिपेयर्ड फॉर दैट, है ना। चलिए फिर इन चीजों को डिस्कस करके खत्म करें, और फिर कुछ न्यूमेरिकल्स मैं आपको बता देता हूँ, डिस्कस कर लेते हैं। हाँ जी, पहला है एक्स टी ग्राफ। जब भी आप बेटे एक्स टी ग्राफ की बात करते हो, तो वी ऑलवेज टेक एक्स अलोंग द वर्टिकल एक्सिस बेटा, एंड टी अलोंग द हॉरिजॉन्टल एक्सिस बेटे। एक्स का मतलब बेसिकली होता है पोजीशन, इसका मतलब बेसिकली पोजीशन होता है, और टी का मतलब बेसिकली होता है बेटे टाइम से। ये ओरिजिन है, आप इसको एक्स एक्सिस, इसको वाई एक्सिस कह सकते हो। जनरली हम ये एग्जांपल लिया करते हैं कि जो आपका रूम है जिसमें बैठ के आप पढ़ रहे हो, क्लासरूम है या घर पे पढ़ रहे हो, ये डोर को हमने अपना स्टार्टिंग पॉइंट या ओरिजिन मान लिया। पीरियड स्टार्ट हो गया, आपका पीरियड लगना स्टार्ट हो गया, आप पढ़ रहे हो, पांच मिनट के बाद फिर दस मिनट, पंद्रह मिनट, बीस मिनट, पच्चीस मिनट, टाइम निकलता जा रहा है, लेकिन आपकी पोजीशन जो है दैट इज नॉट चेंजिंग विद द टाइम। मान लीजिए आपकी बात कर लें, आप लगभग यहाँ से दो मीटर पे बैठे होंगे, तो ये मान लीजिए एक मीटर, ये दो मीटर हमने मीटर्स में ये किया। जब आपका पीरियड स्टार्ट हुआ, क्लास लगनी स्टार्ट हुई, आपका ये पोजीशन हमने मार्क कर दिया। पांच मिनट के बाद आप इसी पोजीशन पे हो, मैंने फिर से मार्क कर लिया बेटा, राइट। स्टिल पांच मिनट और निकल गए, हमने अगेन पोजीशन मार्क कर ली। ऐसे करते करते पांच पांच मिनट के इंटरवल के बाद आपकी अलग अलग पोजीशंस हमने मार्क कर ली, फिर इनको बेटे ज्वाइन कर दिया, ये सेपरेट लाइन आ गया। दिस इज फॉर द ऑब्जेक्ट एट द रेस्ट बेटा। अगर जैसे आप बैठ के पढ़ रहे हो, आप रेस्ट पे हो, आप मूव नहीं कर रहे हो, कोई भी चीज अगर रेस्ट पे होगी, उसका जो ग्राफ होगा पोजीशन टाइम ग्राफ, दैट विल बी पैरेलल टू द टाइम एक्सिस। एक और आपको बात बताऊं कि जब भी आपको ये एग्जाम में आता है, वैसे तो आजकल आपका पेपर सब्जेक्टिव रहा नहीं है, अदरवाइज अगर सब्जेक्टिव हो तो आपको ये पॉइंट्स शो करने की जरूरत नहीं होती है। ये तो सिर्फ आपको मैं समझाने के लिए इंडिकेट कर रहा था कि बच्चों को समझ आ जाए कि लाइन सेपरेट बनी कैसे। अदरवाइज आप सिंपली क्या करेंगे, एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट के लिए आप टाइम एक्सिस के पैरेलल सिंपल सेपरेट लाइन ड्रॉ कर दोगे। इट विल बी प्रोबेबली ऑफ दिस टाइप बेटा, टाइम आपने इधर लिया सेकेंड्स में, और पोजीशन इधर मीटर्स में, और आपका ग्राफ जो है इट इज पैरेलल टू द टाइम एक्सिस। सो दिस इज फॉर द ऑब्जेक्ट एट रेस्ट बेटा, राइट। दूसरी बात, जैसे इस पीरियड के बाद आपको फुल ब्रेक हो जाएगी, छुट्टी हो जाएगी, आपका घर मान लीजिए वॉकिंग डिस्टेंस पे है, आप बाई फुट ऑन फुट जा रहे हो, घर को चलते जा रहे हो, और विद द पैसेज ऑफ टाइम आपका इस डोर से डिस्टेंस जो है वो बदल रहा है। अगर आप अपनी एक यूनिफॉर्म मोशन प्रेस्क्राइब करते हुए अपने घर की तरफ जा रहे हो, तो आपके यूनिफॉर्म मोशन के लिए आपका पोजीशन टाइम ग्राफ जो है, ये इधर आपका पोजीशन आ गया,
इधर टाइम आ गया और आपका ग्राफ बेटी स्ट्रेट लाइन आ जाएगा इंक्लाइन टू द टाइम एक्सिस बेटी, राइट बेटा। अब एक और सिचुएशन, ये यूनिफॉर्म मोशन के लिए है, इट वॉज फॉर द ऑब्जेक्ट एट बेटी रेस्ट, इट वॉज फॉर द ऑब्जेक्ट इन यूनिफॉर्म मोशन बेटे। कई बार ऐसे होता है कि देखिए जी आप कहते हैं नहीं जी सर देखो मौसम बड़ा खराब है, गर्मी लग रही है, छुट्टी हुई तो फटाफट खुशी मनाए भाग के घर को जाएं, ठीक है, और वो गेट तक तो आपको भागने नहीं देंगे, वो कहेंगे नहीं आराम से चलो गिर जाओगे ये वो ऐसा कुछ कहेंगे, राइट। द मोमेंट यू आर आउट फ्रॉम द गेट, कई बार आपने देखा होगी बच्चे फटाफट भाग के दौड़ के जो नजदीक वाले दौड़ भी जाते हैं, उस केस में क्या है आप अपना पोजीशन इस तरफ बेटे लेके चल रहे हो और आपका टाइम इस तरफ है, जब तक आप गेट पे नहीं पहुंचे आप बड़े मजे से जा रहे थे स्ट्रेट लाइन में जा रहे थे, बाहर निकलकर आपने कहा कि गर्मी बड़ी है फटाफट भाग के चले ठंडा पानी पिए और आराम से बैठे रिलैक्स हो गए, तो आपने स्पीड अप कर दिया, आप अब कम टाइम में ज्यादा डिस्टेंस कवर करने लगे, भाग पड़े आप दौड़ पड़े आप, आपका ग्राफ ऐसा बन जाएगा। हाँ जी अगर स्लो तो ये है ही है ना, अगर आप जाना नहीं चाहते तो ये है, राइट। सो अगर आपका घर ज्यादा पास नहीं है थोड़ा सा दूर है तो थोड़ा सा भागने के बाद थक भी जाते हैं, फिर आप कहते हैं नहीं आराम से ही चलते हैं, खुद ही जाना है सांस चढ़ गई तो फिर क्या फायदा है ना, उस केस में आप अपने स्पीड को कम भी कर लेते हैं, और अगर आपका पोजीशन इधर है टाइम इधर है और आप पहले तो देखो आप ऐसे जा रहे थे बड़े यूनिफॉर्म मोशन के साथ, फिर आपने थोड़ा सा स्लो किया और ये कुछ ऐसा ग्राफ बनने लग गया, अब आप ज्यादा टाइम ले रहे हो कम डिस्टेंस कवर करने के लिए, दिस में आल्सो बी द पॉसिबिलिटी बेटा, राइट। ये 2019 से पहले कोविड वाले टाइम से पहले आपने भी देखा होगा बार वो आ जाया करते थे, वो कुछ चीज खिलाते हैं, वो साइकिल पे आते हैं, क्या खाते थे बच्चे, कुछ वो डाल देते हैं, कुछ चीज ऐसी होती है उस पे वो चटनी सी डाल देते हैं, बच्चे बड़े खुश होते थे, अब तो कोई डरता खाता नहीं है ना, है ना ऐसे ही, लेकिन शाम को चले जाते हैं कभी कभी। चलिए ध्यान दीजिएगा एक बार, मैं ये कहना चाह रहा था कि अगर आप रास्ते में रुकते रुकते चल रहे हो आपकी स्पीड कम हो रही है तो ग्राफ आपका कुछ इस तरीके का हो जाएगा, अगर आप स्ट्रेट फॉरवर्ड वे में भाग के जा रहे हो दौड़ के जा रहे हो स्पीड अप कर रहे हो, मोर साइंटिफिक वर्ड आई एम यूजिंग स्पीड अप, एक्सेलरेट नहीं मैं कह रहा हूँ बिकॉज हम डिस्टेंस काउंट कर रहे हैं, तो आप लूजली स्पीकिंग एक्सेलरेटेड मोशन कह सकते हो, ठीक है जी, बिकॉज हमने इधर पोजिशन ली हुई है, अगर आप वेलोसिटी या डिस्प्लेसमेंट टर्म्स में बात करोगे तो डेफिनेटली एक्सेलरेटेड मोशन ही होगा, लेकिन क्योंकि आप ज्यादा टाइम कम टाइम में ज्यादा डिस्टेंस कवर कर रहे हो आपका मोशन तो एक्सेलरेटेड ही कहलाएगा, लेकिन बेटर होगा इस केस में अगर हम कह दें कि हमने स्पीड अप किया है, राइट, है ना, सुस्त नहीं पड़ना। ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ ग्राफिकल आपको बेटा सिचुएशंस इंडिकेट कर देती है कि आपका ऑब्जेक्ट कैसे कैसे मूव करता है। आइए आइए उसी पे मैं आ रहा था बेटे, स्लोप पे ही आ रहा था, आपको स्लोप के साथ साथ और भी एक बड़ी अच्छी चीज बतानी थी, आइए वो भी देखें सोचें समझें। सेकंड वाला ग्राफ जो है इस पे मैं जरा कंसंट्रेट कर रहा हूं, ध्यान दीजिएगा, इसको आपने ओरिजिन ऑलरेडी बोल रखा है ना, यस, कुछ घूम तो नहीं गया, ओके, ये पॉइंट से आपने परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया टाइम एक्सिस पे, राइट, दिख रहा है बढ़िया, किसको नहीं, आपको नहीं, सबको ही नहीं दिख रहा, आपको भी नहीं दिख रहा, एक मिनट के लिए खड़े हो जाइएगा प्लीज, देख लीजिएगा, खड़े होके देख लो एक मिनट, एक परपेंडिकुलर हमने ड्रॉप कर दिया, राइट,
इसका नाम हमने रख दिया बी, इधर एंगल हमने बोल दिया बेटे थीटा, राइट। स्लोप आप टेन थीटा से निकालते हो, आपने टेंजेंट ऑफ एंगल थीटा, इसका नाम आपने साइंस में फिजिक्स में स्लोप ही रखा हुआ है ना। स्लोप होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, आपको अच्छे से आता है। परपेंडिकुलर ए बी है, ये आ गया ए बी, बेस कौन सा है ओ बी। ए बी को जरा ध्यान से देखिएगा, ये आपको किस चीज की याद दिलाता है, इट इज डिस्टेंस, वेरी गुड। डिस्टेंस को मैं एक्स लिख दूं, और ओ बी आपको टाइम इंडिकेट कर देता है। डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टाइम टेकन बच्चों क्या होता है, स्पीड। तो यू कैन से दैट आपको आपके ग्राफ के स्लोप से स्पीड मिल गया, राइट बेटे। अब आप ध्यान से देखिएगा, जितना ज्यादा स्लोप होगा आपकी स्पीड भी उतनी ज्यादा होगी। अगर स्लोप कम है थोड़ा है छोटा है, स्पीड भी कम होगी। अब स्लोप कैसे ज्यादा या कम होगा आप बता सकते हो? यस यस यस, आई मीन टू से दैट कि आपका अगर ग्राफ ऐसे बन जाए ये तो देखो थीटा बड़ा हो गया, ये स्पीड बड़ी हो गई, ज्यादा हो गई ना। अगर आपका ग्राफ कहीं ऐसा हो जाए कम हो गई, इसका मतलब ये हुआ कि क्या आपका मोशन ज्यादा स्पीड पे है, कम स्पीड पे है, या मैग्नीट्यूड ऑफ द स्पीड आपका एंगल थीटा बता देगा। अगर एंगल बड़ा स्पीड बड़ी, एंगल छोटा स्पीड भी छोटी होगी। ये चीज आप अपने माइंड में खास रखिएगा, राइट। अब इस ग्राफ में थोड़ा सा फोकस करिए, वो आपको कह देते नहीं जी आप मुझे इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे बताओ कि स्पीड किस पॉइंट पे ज्यादा है। तो हमारे पास क्या टेक्निक होना चाहिए, एल एम और एम तीन पॉइंट्स हमने चूज किए, व्हाट वी कैन डू, एल पे एम पर एन पर। मैं आपकी बात मान गया, अगर वो आपको कहे नहीं जी आप ऐसे नहीं कहना नहीं है, कहे तो सारे देते हैं प्रूव करके बताइए, फिर आप क्या करोगे। ओके, यू मीन टू से दैट कि आप ऐसे कर लोगे ऐसे है ना, और फिर आप ऐसे कर लोगे और फिर आप ऐसे कर लोगे, यही कह रहे हो। एक और भी इसका बड़ा अच्छा तरीका समझिएगा जरा, आप L पॉइंट पर, ये आपका L पॉइंट है, L पॉइंट पे आपने टेंजेंट ड्रॉ किया, ये टेंजेंट आ गया। टेंजेंट होता है समझिए पहले, ये एक कर्व है, ये P पॉइंट है। P पॉइंट अगर आपका ऑब्जेक्ट इधर मूव कर रहा है, P पॉइंट को टच करता हुआ लाइन एक जो है, दिस इज कॉल्ड टेंजेंट। मैथमेटिक्स में ज्योमेट्री में शायद आपने नहीं पढ़ा होगा, अभी एक सर्कल है, ये सर्कल लग रहा है आपको, ये सर्कल का सेंटर है, ये सर्कल का रेडियस कहलाता है, ये उस पे कोई पॉइंट ले लें, मान लीजिए ये सर्कुलर ट्रैक में कोई ऑब्जेक्ट ऐसे मूव कर रहा है, इस पॉइंट पर इस सिंगल पॉइंट को टच करती हुई स्ट्रेट लाइन, ये इसको बोल देते हैं टेंजेंट, राइट। समझ आ गई ये भी बात साथी ना। और एक ज्योमेट्री में मैथमेटिक्स में आप पढ़ते हो, मुझे नहीं पता आपने पढ़ा कि नहीं, एक सीकेंट भी पढ़ते हो, नहीं पढ़ा अभी, चलिए फिर रहने देंगे, जब आप पढ़ना तब पढ़ लेना, आपको उसकी जरूरत नहीं। हमें टेंजेंट की जरूरत थी, टेंजेंट इज एनी पर्टिकुलर लाइन ड्रॉन टू द कर्व टचिंग एट दैट पॉइंट, राइट। L पॉइंट पे आपने टेंजेंट ड्रॉ किया, कर सकते हैं ना। देन M पॉइंट पे हमने टेंजेंट ड्रॉ किया, ये बन गया जी
बन रहा है ना। यस सर। क्यों गुड़िया? देन एंड पॉइंट जो है आपका, लेट मी एक्सटेंड द ग्राफ समथिंग लाइक दिस। हैं? हाँ, आपने लिखा, अच्छा लिखा है, चलो आपकी क्लास में लिखा है, ये कह रहा हूं मैं। ये टेंजेंट आ गया, अब जरा देखिएगा, दिस इज द एंगल विच योर ऑब्जेक्ट व्हेन एट पॉइंट एन इज मेकिंग विद द हॉरिजॉन्टल एक्सिस, एंड दिस इज द एंगल विच योर ऑब्जेक्ट व्हेन इट इज एट एम इज मेकिंग विद द हॉरिजॉन्टल, एंड दिस इज द एंगल which your object is making when at point L. So ये हमारा डिस्कस हो गया, इसको रब कर दूं। आइए देखें, सोचें से बेटे, बहुत सही है, गलत नहीं मैं कह रहा हूं। अब आपको दूसरी टेक्निक भी तो बतानी है। हाँ जी, क्या? यस, हाँ एक बच्चा बोलो, मुझे समझ नहीं आई आप क्या कह रहे हो। नहीं नहीं भी ऐसे नहीं है। ओके ओके, लिसन 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 ऑल ऑफ यू बेटा, डियर चिल्ड्रन, एट लीस्ट लिसन डियर चिल्ड्रन, एट लीस्ट क्लास में अवॉइड करिए। अगर आपको कोई ऐसी दिक्कत है तो मुझे बता दीजिए, आई विल गिव यू 2 मिनट्स, यू कैन गो एंड हैव ए ग्लास ऑफ वाटर एंड कम बैक, राइट। इधर अब ध्यान दीजिएगा, L पॉइंट पर, L पॉइंट पर आपने स्लोप निकाल लिया, स्लोप एट पॉइंट L, ये आपको टेंजेंट ऑफ थीटा एट पॉइंट L दे देगा। स्लोप एट पॉइंट M, ये आपको टेंजेंट ऑफ थीटा एट पॉइंट M मिलेगा। स्लोप एट पॉइंट N, दिस इज टेंजेंट ऑफ एंगल थीटा एट पॉइंट N, ये आपको दे देगा। स्पीड एट एल, स्पीड एट एम, स्पीड एट एन। तो अब देखो, बिकॉज ये एंगल सबसे बड़ा, बिकॉज थीटा एन इज मोर देन थीटा एम इज मोर देन थीटा एल, इट विल मीन दैट स्पीड एट एन इज मोर देन स्पीड एट M is more than, right? इस तरीके से आप सोच सकते हो, डिस्कस कर सकते हो, राइट बेटा? सारा क्लियर हो गया? किसी बच्चे को कोई डाउट दिक्कत वाली बात तो नहीं? What is the importance of velocity time graph? Stand up, up. Velocity time graph की बच्चे इंपॉर्टेंस क्या है, बोल दीजिए जरा जल्दी से। भूल गया है ना, बैठ जाओ, सबको नहीं आती है, कोई बच्चा बोल दो, आप बोल दो, दूसरा आप बोल दो, दूसरा, यस यस यस, याद रखिए हमेशा आपका स्लोप जो है दिस टाइम ग्राफ का, इससे आपको स्पीड मिल जाती है, ये आपके एक्स टी ग्राफ की इंपॉर्टेंस है, और आपका वी टी ग्राफ, उसकी दो इंपॉर्टेंस है। पहला है आपको स्लोप एक्सेलरेशन दे देगा, और एरिया अंडर वी टी ग्राफ आपको क्या दे देता है। ओके बेटे, ओके, ऑल राइट बेटे। सो हाँ जी बेटे, हवा नहीं आ रही तो आ जाइए, आगे आ जाइए, कोई बात नहीं। सो बेटा, अब यूनिट्स देखो, सारी की सारी फिजिकल क्वांटिटीज इन्वॉल्व्ड इन यूनिट वन चैप्टर वन, जो भी हमारी फिजिकल क्वांटिटीज हैं, इनके यूनिट्स जरा डिटेल में देख लीजिए, और सारे यूनिट्स आपको मैं एक बार, करें स्टार्ट यूनिट्स सबके। सबसे पहले हम डिस्टेंस से स्टार्ट करते हैं बेटा। डिस्टेंस जो है,
स्टैंडर्ड एसआई सिस्टम में ये मीटर्स में मेजर किया जाता है। इधर ध्यान दो, सीजीएस सिस्टम में सेंटीमीटर्स में, इसके बिना इसके अदर यूनिट्स कौन कौन से हैं, इट में भी किलोमीटर बड़ा यूनिट, छोटा यूनिट आप इसका मिलीमीटर भी कह सकते हो, और उससे भी छोटा चलो डेसीमीटर भी लिख लो, आपको डेसीमीटर अच्छा लगता है तो, माइक्रोमीटर, नैनोमीटर, पिकोमीटर, ये सारे के सारे यूनिट्स हैं, आपको पता है। सुन लीजिए, एक मीटर 100 सेंटीमीटर के बराबर, एक मीटर और किलोमीटर 1000 मीटर्स 1 किलोमीटर के बराबर, एक डेसीमीटर, हाँ जी 10 डेसीमीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, ठीक है, 10 डेसीमीटर 1 सेंटीमीटर के बराबर होंगे, 1 सेंटीमीटर 10 डेसीमीटर हो जाएगा, 1 मिलीमीटर 1 मिलीमीटर यहां आप जानते हो 10 रेस बार माइनस, भूल गए या नहीं पता, -3 मीटर्स, 1 माइक्रोमीटर 10 रेस बार -6 मीटर्स, 1 नैनोमीटर 1 पिकोमीटर, वेरी गुड, ठीक है जी, ये सब आपको पता होना चाहिए। और इसके बाद लेट अस कंसंट्रेट अपॉन ये डेसीमीटर, 1 डेसीमीटर, 1 डेसीमीटर इज 1/10 सेंटीमीटर, या 1 सेंटीमीटर इज 10 डेसीमीटर, राइट। जो यूनिट्स आप डिस्टेंस के लिए यूज करोगे वही डिस्प्लेसमेंट के लिए भी यूज करोगे। अब आ जाइए स्पीड, यहां मैं ऐसे लिख देता हूं साथ में, देन स्पीड या वेलोसिटी कह लो, मीटर पर सेकंड एसआई में, इसके बिना किलोमीटर पर आर भी हो सकते हैं, किलोमीटर पर मिनट भी हो सकते हैं। आपको याद होगा एक आपका एनसीईआरटी में न्यूमेरिकल है, लास्ट वाला है, वो सर्कुलर ऑर्बिट में एक सैटेलाइट रिवॉल्व कर रहा है 22,000 किलोमीटर की हाइट पर, उसमें यहाँ तो ये उन्होंने यूज किया या ये, देखना चेक करके कुछ देख लेना, कुछ ऐसा पढ़ना बेटे, एक मिनट स्टेटमेंट प्लीज। बैठो, इसमें स्टेटमेंट में उन्होंने कुछ नहीं दिया, अगर आप इसका आंसर चेक करोगे तो वो आई थिंक किलोमीटर पर सेकंड या किलोमीटर पर मिनट में है, तो कुछ मुझे ऐसे याद था कि कोई ऐसी बात है, तो अकॉर्डिंगली आपको ये कन्वर्शन आनी चाहिए। जो ज्यादा जरूरी चीज है, आप जब किलोमीटर पर आर से मीटर पर सेकंड में जाते हो, आप 5/18 से मल्टीप्लाई कर देते हो, अगर मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आर में आओगे तो उल्टा कर दीजिए, इतने किलोमीटर पर आर का आपका आ जाएगा, राइट बेटा। इसके बाद एक्सेलरेशन की बात करेंगे, एक्सेलरेशन आपका जो होता है ये आप मीटर पर सेकंड स्क्वायर, सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर में भी हो सकता है, किलोमीटर पर आर स्क्वायर, पर मिनट स्क्वायर भी हो सकता है, किलोमीटर पर सेकंड स्क्वायर भी हो सकता है, तो यू आर टू बी एक्स्ट्रा अवेयर। इसके बाद दो चीजें हमारी और, तीन चीजें बची हुई हैं। पहला है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, दूसरा एंगुलर वेलोसिटी, और तीसरा
एक्सेलरेशन, यस, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ये आप रेडियन में मेजर कर सकते हो, डिग्री में मेजर कर सकते हो। अच्छा, डिग्री और रेडियन कैसे रिलेटेड है, याद है कि भूल गए? 1 degree इज इक्वल टू हाउ मेनी रेडियंस, या 1 radian इज इक्वल टू हाउ मेनी डिग्रीज, लास्ट टाइम हमने किया था 1 radian 57.3 degrees के बराबर आपने निकाला था। तो 1 radian 57.3 degrees, इसको याद रखिएगा, ये काफी काम आएगा आपके न्यूमेरिकल्स में स्पेशली बेटा, राइट। इसके बाद आपके पास आ जाता है एंगुलर वेलोसिटी, ये आ जाएगा आपका रेडियन पर सेकंड या डिग्री पर सेकंड, राइट, एसआई। और इसके बाद आप बात करोगे एंगुलर एक्सेलरेशन की, अल्फा से आप डिनोट करोगे, यस, एंगुलर एक्सेलरेशन, इट इज रेडियन पर सेकंड स्क्वायर या डिग्री पर सेकंड स्क्वायर, आप जो भी अडॉप्ट करना चाहें दोनों में से आप यूनिट लगा सकते हैं अकॉर्डिंगली, जो भी आपको एट दैट टाइम जरूरत होगी बेटा। इस सबके बाद एक छोटा सा पॉइंट है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को आप थीटा से डिनोट किया करते थे, एंगुलर वेलोसिटी को ओमेगा से, एंगुलर एक्सेलरेशन को अल्फा से। एक काम करेंगे सारे बच्चे, मिनट्स हैंड ऑफ ए क्लॉक करवा दिया आपको, बड़ी खुशी वाली बात है, फिर तो फिर मेरी तरफ से ही चैप्टर कंप्लीट है पूरा। आपका स्टिल कोई पॉइंट पड़ा है तो आप बता दीजिए बेटा, इस चैप्टर में, पहले चैप्टर में कोई भी पॉइंट आपका अनडिस्कस ना रह जाए। कल मैं आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करवाने वाला हूँ इस चैप्टर के, वो तभी हम कर पाएंगे अगर हमें चैप्टर डिटेल में आता होगा, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। एक छोटा सा क्वेश्चन दूं, करोगे? पक्की बात है? चलिए देन लिखिए, रुक जाओ जरा, बेल होने वाली है, बैठ जाओ, ध्यान दीजिएगा। हाँ नहीं नहीं अभी 5 मिनट है, नहीं नहीं यार, ये देखो स्कूल इसकी घड़ी से थोड़ी चलेगा, कोई बात नहीं, क्वेश्चन तो पता चल जाएगा आपको। ये आपके पास बीटी ग्राफ है, इधर वेलोसिटी है ओरिजिन, वो गिर मत जाना कोई बच्चा भाई, हाँ अरे ध्यान से, गिर गया, ऐसे नहीं करो भाई, बेटे वो ही कल करवाने वाला हूं आपको मैं, आपको बताना है कि इस केस में ओ ए बी सी डी ई, ओ ए में, ए बी में, बी सी में, सी डी में, डी ई में, कंपैरेटिवली किस पार्ट ऑफ द ग्राफ में आपके ऑब्जेक्ट की एक्सेलरेशन सबसे ज्यादा है। दूसरी बात, आपको डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग द जर्नी टाइम वो भी निकालना है अलोंग द स्ट्रेट लाइन। आपको किसी ऑब्जेक्ट के लिए वीटी ग्राफ दिया गया है, आप हरेक पार्ट में कैलकुलेट करके चेक करिए कि किस पार्ट में एक्सेलरेशन सबसे ज्यादा है
और दूसरी बात आप ये कैलकुलेट करेंगे कि इस ऑब्जेक्ट ने जो ये बीटी ग्राफ शो कर रहा है डिस्टेंस स्ट्रेट लाइन के अलोंग कितना कवर किया। O to A और रिटार्डेशन इस पार्ट में या इस पार्ट में, राइट। जीरो एक्सेलरेशन कहां पे है? इस पार्ट में। एक मिनट लगाकर डिस्टेंस कवर निकाल दो, उसके बाद खत्म। निकाल दीजिए, फटाफट निकाल दीजिए, एक मिनट का काम है, आधे मिनट में कर दीजिए। नहीं नहीं ऐसे बातें करके नहीं, जल्दी से जरा भाई जल्दी से, अभी ऐसे सोचते ही रह जाएंगे तो रह जाएंगे, कॉपी पेन खुलेगा ही नहीं, फिर बेल हो जाएगी, एक मिनट में दुनिया बदल जाती है। काम कितना बड़ा है, दो कैलकुलेशन ही करनी है, आप तो डर जाते हैं वैसे ही। ये ट्रेपीजियम का एरिया निकालो, इस ट्रायंगल का निकालो, फिर उसको करके बताओ कितना आ रहा है। सोचते ही रह जाएंगे बस, कॉपी पेन निकालते निकालते कह देंगे जी पहले ही खत्म हो गया काम, ऐसे नहीं होना चाहिए, राइट। हाँ जी कितना आ रहा है? ओ क्यों? ओके 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 आ गया, बड़ी जल्दी आ गया भाई है। अच्छी बात है। लिसन, लेकिन लिसन, जो पॉइंट मैं बताना चाहता था वो ये था कि ये चाहे नेगेटिव है लेकिन इसको एड ही करना है, ये पॉइंट मैं बताना चाहता हूँ। हाँ टाइम नहीं, डिस्टेंस नहीं, राइट। ओके बेटे, दैट्स ऑल।